नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में विधायकों को तनख्वाह और भत्ते मिलाकर हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ये मंजूरी 7 साल बाद दी गई है। अब दिल्ली विधानसभा का एक सत्र बुलाया जाएगा और उसमें इससे जुड़े प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी देकर इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि दिल्ली में विधायकों को पूरे देश में सबसे कम तनख्वाह मिलती है। वर्तमान में दिल्ली में विधायकों को हर महीने 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है और सारे भत्ते मिलाकर उन्हें हर महीने 54,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब उनकी तनख्वाह 30,000 रुपए हो जाएगी और सारे भत्तों को मिलाकर ये 90,000 रुपए हर महीने होगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। अब 14.2 किलो के नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए हो गई है और ये शनिवार से ही लागू हो गई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बीते साल अक्टूबर के बाद ये पहली बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि बीते दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के साथ ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी इजाफा हुआ था। इस महीने की शुरुआत में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और दिल्ली में इसकी कीमत 2,355 रुपए हो गई थी। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होने को है। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर कल पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। पहले पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद रास्ते में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया। बाद में हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस की टीम को सौंप दिया, जो बग्गा को दिल्ली लेकर आ गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामला बेतुका है। दूसरी ओर पंजाब के महाधिवक्ता ने कहा कि याचिका अमान्य नहीं है और वो मांग करेंगे कि बग्गा पर पंजाब में FIR दर्ज हुई है और उन्हें नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनकी हिरासत पंजाब पुलिस को वापस की जाए। इसी मामले में आज हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक प्रतिशोध से काम कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी को पंजाब में उनके लिए खतरा मानते हैं। इस मामले को लेकर शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपने राज्य पुलिस को केजरीवाल की लाइन नहीं मानने वालों के खिलाफ आतंक पैदा करने के साधन में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से तेजेंद्र सिंह बग्गा को डराने, धमकाने और अपहरण करने के लिए राज्य पुलिस का इस्तेमाल करके बहुत नीचे गिर गई है। ये आपका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक फैसला है। लगातार मिल रही चुनावी हार से परेशान कांग्रेस उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर को लेकर तैयारियों में जुटी है। उदयपुर में चिंतन शिविर 13 मई से शुरू होकर 15 मई तक चलेगा और इसमें देश भर की कांग्रेस कमेटियों से जुड़े 400 नेता शामिल होंगे। इससे पहले 9 मई को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में चिंतन शिविर से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सबसे अहम बात जो इस चिंतन शिविर को लेकर सामने आई है वो ये कि इस शिविर में कांग्रेस में OBC, SC, ST और अल्पसंख्यकों को पार्टी में 50% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। खबरों के मुताबिक पार्टी के कई नेता चिंतन शिविर में ऐसे प्रस्ताव को लाने की तैयारी में जुटे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर आज उन्होंने राज्य द्वारा संचालित बस में यात्रा की और यात्रियों से बातचीत की। स्टालिन ने सरकार का 1 साल पूरे होने पर कई जन कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान किया, जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए पोषण सुनिश्चित करने के लिए नाश्ता उपलब्ध कराना शामिल है। अपनी घोषणा में उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को सभी वर्किंग डेज में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य विधानसभा में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में DMK के द्वारा किए गए वादों में से 60-70% वादे पूरे किए हैं। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं के लिए एक नया शब्द द्रविड़ मॉडल भी दिया। हैदराबाद ऑनर किलिंग की AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की है और मर्जी से शादी को कानूनी हक बताया है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, हम सरूर नगर में हुई घटना की निंदा करते हैं। महिला ने अपनी इच्छा से शादी करने का फैसला किया। उसके भाई को, उसके पति को मारने का कोई अधिकार नहीं। ये एक आपराधिक कृत्य है। संविधान और इस्लाम के अनुसार सबसे बदतरीन अपराध है। इस दौरान ओवैसी ने वहां मौजूद लोगों को भी इसको लेकर समझाया और अल्लाह से डरने को कहा। बता दें, अशरीन सुल्ताना के भाई सैयद मोमिन अहमद और एक रिश्तेदार मसूद अहमद ने उनके पति दिल्लीपुरम नागराजू को हैदराबाद में बीच सड़क पर मार दिया। सुल्ताना का परिवार एक हिंदू लड़के से शादी से नाराज था। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर शुक्रवार को हंगामा हुआ। अदालत की ओर से नियुक्त कमिश्नर और वकीलों की टीम ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे स्थित श्रृंगार गौरी स्थल का सर्वे करने पहुंची। एक स्थानीय अदालत ने इसकी वीडियोग्राफी करने और उसकी रिपोर्ट सौंपे जाने का आदेश दिया था। शुक्रवार को पहली बार सर्वे टीम परिसर में पहुंची थी और कोर्ट के आदेश के मुताबिक वीडियोग्राफी की। शनिवार को भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि आज मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे होगा। वहीं मस्जिद के प्रबंधकों ने मस्जिद के भीतर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी होने को लेकर आपत्ति जताई और इसका विरोध किया।
मस्जिद के बगल में ही काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। हालांकि अदालत के आदेश में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि सर्वे के दौरान क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी की जाएगी। AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे किया जाना 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। श्रीलंका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे ने एक बार फिर आपातकाल का ऐलान कर दिया है। देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को सख्ती बरतने के लिए कहा और उन्होंने ज़रूरी ताकत भी उन्हें दे दी है। आपातकाल शुक्रवार रात से लागू हो गया है। बता दें कि बीते कई महीनों से श्रीलंका में आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं और कुछ दिन पहले भी सरकार को आपातकाल लगाना पड़ा था। बीते दिनों में प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर राष्ट्रपति राजपक्षे के दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की। हालात को देखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।